हमारे पास हो। पहले हमें भगवान को नैवेद्य कर देना चाहिए, फिर पाना चाहिए। पर इसका अर्थ नहीं है कि ऐसी वस्तु भोजन मत बनाइए जिसका नैवेद्य न होता हो। अब जैसे मान लीजिए लहसुन प्याज ये सब भोजन में मत बनाइए, गाजर भोजन में मत बनाइए, भगवान को नैवेद्य नहीं लगता। ये नहीं, ये मत बनाइए। आजकल चाय कॉफी पीने की बहुत आदत हो गई है। कल ही मुझे इंटरव्यू पूछ रहे थे एक विदेशी थे कि सर आप कभी चाय लेते? मैंने कहा मैंने कभी चाय छुई नहीं ना कॉफी छुई, क्योंकि मेरा व्रत ही है कि जो भी मुझे लेना है वो नैवेद्य देकर के लेना है, और भगवान चाय और कॉफी का नैवेद्य नहीं लगाते हैं, जिससे मैं चाय कॉफी नहीं लेता। भैया जो लेता हूं उसका नैवेद्य लग जाता है, कोई नुकसान नहीं होता, शुद्ध होना चाहिए।